हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धीरेंद्र। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल टॉक्स पे। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये है YouTube की न्यू टर्म्स एंड कंडीशन जो अभी आई है रिसेंटली। उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं, अगर आपका चैनल रन नहीं हो रहा, अगर आप पुराने यूट्यूबर हैं, उस पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, आपके सब्सक्राइबर नहीं है बिलो 1000, ऐसा नहीं है 1000 से बिलो, बट आपका कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है अभी तक, मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं है, तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखे समझे। ये 3-4 पॉइंट जो मैं आपको बताऊँगा वो यूट्यूब ने अभी अपडेट करे हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सारे पॉइंट्स हैं दोस्तों। तो एक एक टॉपिक आपको समझना है, फिर मैं आपको एंड में बताऊंगा कि क्या इसका रिजल्ट होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है टर्मिनेशन एंड सस्पेंशन बाय यूट्यूब फॉर कॉज। ये पहला पॉइंट है, इसमें मैं आपको बताऊंगा, इसमें भी 3-4 पॉइंट है। तो सबसे इसमें फर्स्ट जो पॉइंट है वो है कि अगर आप YouTube की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको बार बार तोड़ते हैं, बार बार आप उसको तोड़ते हैं, सपोज कीजिए आप कॉपी स्ट्राइक कर रहे हैं और आप, या फिर कोई इलीगल कंटेंट आप अपलोड कर रहे हैं, किसी का कंटेंट चुराया हुआ कॉपी कर रहे हैं, बार बार डाले जा रहे हैं, एग्रीमेंट उसको तोड़ रहे हैं, तो आपका चैनल YouTube हमेशा के लिए बंद कर सकता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आपने किसी का कंटेंट चुराया, सपोज कीजिए किसी का आपने वीडियो कोई क्लिप निकाल ली या कोई कुछ भी लोगो है या फिर म्यूजिक है, और अगर वो कोर्ट वहाँ से अपना लीगल जो ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर, वो लेके वहाँ आ जाता है यूट्यूब के पास, तो यूट्यूब आपका चैनल हमेशा के लिए बंद कर सकता है। तो ये भी इसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों। और जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि अगर आपके चैनल से YouTube को लगता है कि आप किसी थर्ड पर्सन को, थर्ड पार्टी को कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं, मतलब आप उसको बार बार किसी चीज़ पे प्रॉब्लम डाल रहे हैं, प्रॉब्लम में उसका वीडियो जैसे आप चोरी कर रहे हैं, या फिर आपका कंटेंट इस तरह का नहीं है कि थर्ड पार्टी को नुकसान हो सकता है, जैसे अभी चाइल्ड को लेके यूट्यूब ने बहुत ही अभी टर्म्स में अभी चेंजेस किए हैं, देखिए कि उनमें क्या कंटेंट होना चाहिए, आप क्या डाल रहे हैं, तो चाइल्ड को लेके जो कंटेंट अभी उसने किया है, तो इस चीज़ पे भी देखना कि उन्होंने कुछ स्पेशल उसके अंदर अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में चेंजेस किए हैं ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि अगर किसी थर्ड पर्सन को, थर्ड पार्टी को आपके चैनल से बार बार प्रॉब्लम आ रही है, तो भी यूट्यूब आपका चैनल हमेशा के लिए बंद कर सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये फर्स्ट जो है इसमें 3 पॉइंट है ये मैंने आपको बता दिए। जो दूसरा पॉइंट है दोस्तों, जो दूसरा पॉइंट है इंपॉर्टेंट, वो है ये टर्मिनेशन बाय यूट्यूब फॉर सर्विस चेंजेस। तो इसके अंदर क्या है मैं आपको पूरा बता देता हूं। ये देखिए मैं आपको बताऊं इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें है YouTube में टर्मिनेट योर यूज ऑफ सर्विसेज, योर गूगल अकाउंट्स एक्सेस टू ऑल और पार्ट ऑफ सर्विस इफ YouTube बिलीव्स इन इट्स सोल डिस्क्रिप्शन दैट प्रोविजन ऑफ द सर्विस टू यू इज नो लॉन्गर कमर्शियल वायबल। तो दोस्तों, ये आपने पूरा मैं आपको बता दिया है। तो इसके अंदर क्या आता है कि अगर YouTube को लगता है कि भैया आपका चैनल बहुत टाइम से चल रहा है, उसको कोई प्रॉफिट नहीं है, YouTube आपको एक होस्टिंग भी दे रहा है, आपके चैनल के लिए अलग से स्पेस दे रहा है, वहाँ पे आप दबा दब सारे वीडियो डाले जा रहे हैं बिना रुके हुए, और ना कोई व्यूज़ है, ना कोई आप उसको प्रॉफिट है, तो YouTube को अगर ये लगता है कि आपके चैनल से उनको कोई फ़ायदा नहीं है, आपका चैनल उनके कोई काम का नहीं है, उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरा लॉस में जा रहा है, मतलब उनको कोई प्रॉफिट फ्यूचर में नहीं होने वाला, तो आपका चैनल भी यूट्यूब बंद कर सकता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ये जो अपडेट है कि अगर यूट्यूब को लगता है तो कभी भी आपका चैनल बंद कर सकता है। उसके भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होगी, अभी तक इतना क्लियर नहीं हुआ है, बट ये क्लियर लिखा हुआ है कि अगर कमर्शियली उनको बेनिफिट नहीं लगता आपके चैनल से, सपोज कीजिए कोई 10 साल से आप चैनल चला रहे हैं, अगर तक आपके 400-500 सब्सक्राइबर हैं, किस इतनी कॉपी स्ट्राइक आ गई है आपके, कोई फ़ायदा नहीं है यूट्यूब को, उल्टा वो कॉपी स्ट्राइक वहाँ से आती है, फिर आपको नोटिस आता है, फिर आप उसको डिलीट कर देते हैं या फिर वापस अपलोड कर देते हैं, तो बार बार वो यूट्यूब का पूरा वेस्टेज है। तो उस वो चैनल वही रखेगा जो उनके प्रॉफिट टेबल होगा। एक तरह से देखें दोस्तों, अगर मैं लास्ट में तो आपको बताऊं लोगों को कि एक तरह से सारे जो यूट्यूबर्स हैं, एक तरह से यूट्यूब ने अपने एम्प्लॉय समझ लिए। आपका कंटेंट भी अब आपका नहीं है, सारा उनका है, ऐड भी वो दिखाने वाले हैं, सब कुछ यही चल रहा है, ऐड भी दिखा रहे हैं, जितना रेवेन्यू हमको मिलता है उससे कहीं ज़्यादा उनको भी मिलता है, आप सब जानते हैं ये। और अभी जो अपडेट हुआ था लास्ट टाइम, वो मोनेटाइजेशन का हुआ था कि 4000 जो आपके आर्स, आपको पता है, प्लस 1000 सब्सक्राइबर ईच ईयर लास्ट ईयर के अंदर होने चाहिए, उसके ये अपडेट हुआ तो उससे लगभग 60-70% चैनल बंद हो चुके हैं या फिर वो पूरा
चले गए, फ्लॉप हो चुके हैं, जो कर रहे थे वो सब बंद हो गए, कहीं ने यूट्यूबर जो थे वो चले गए, अब तो वही है जिसमें खुद में दम है। तो अगर आप में क्वालिटी है तो आप लगातार अपनी वीडियो डालते रहें, इससे बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो डालते रहें और अपना बेस्ट देते रहें। पर अगर आप किसी का कॉपी करते हैं, इसकी क्लिप मारी, उसकी मारी, उधर से कॉपी स्ट्राइक कर रहा है, तो आप बिल्कुल अलर्ट हो जाइए, क्योंकि आपका चैनल बंद हो सकता है। तो दोस्तों, ये जो इम्पोर्टेंट आज अपडेट है, ये 10 दिसंबर 2019 से जो चालू होने वाले हैं, तो ये मैंने आपको बता दिए हैं। और YouTube की नज़र में अब वही हमेशा रहेगा उनके साथ में जो उनको कमर्शियली फ़ायदा देगा, बिना प्रॉफिट के वो कुछ भी नहीं करने वाले। तो ये समझ लेना दोस्तों कि अब YouTube में जो यूट्यूबर्स हैं उनको बहुत ही सावधान होने की जाने की ज़रूरत है। कंटेंट आप किसी का ना लें, कॉपी स्ट्राइक में भी काफ़ी चेंजेस है। मेरा अगला वीडियो आने वाला है, उसके अंदर मैं पूरी टर्म्स एंड कंडीशन बताऊंगा, क्या क्या उनमें टर्म्स एंड कंडीशन है वो मैं, तो पूरा ये वीडियो एंड तक देख लिया आपने। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो नीचे जल्दी से सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोज़ आने वाले हैं और उनके लिए आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना है, तो नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।